वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर फाइन। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश क्लास। यस मैम। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक्स, चैप्टर नंबर 17। यस मैम। क्या हुआ? There are other students. मैं 17। मैम अभी हमें क्या निकालना है? मैम हमें क्या निकालना है? मैम जी बेटा, आने दीजिए सबको क्लास में, फिर मैं बोलूंगी। ओके मैम। आप सब अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक्स निकालिए, चैप्टर नंबर 20, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइटम्स। अस्सलाम वालेकुम मैम वरहमतुल्लाह। आप फिर से बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, चैप्टर नंबर 20। मैम फिर से बताएं, मैं लेट आई क्लास में। आप सब बच्चे अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक्स निकालिए, चैप्टर नंबर 20 है, फ्रेजल वर्ब एंड आइटम्स। अभी बच्चे क्लास में आ ही रहे हैं। ओके मैम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 20, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइटम्स। कल जो मैंने काम सेंड किया था, बुक वर्क सेंड की थी, वो सब उन्हें लिखी? यस मैम, लिखी। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं पहले से बताइए मैम, डिस्कनेक्ट हो रहा था। बेटा चैप्टर नंबर 20 निकालिए। मैम इंग्लिश ग्रामर में? जी बेटा। मैम जी, मैम हमें पेज नंबर 124 निकालना है। आई डोंट नो बेटा, पेज नंबर में वैरी, मेरा पेज नंबर जो है बुक का वो है 116, सो इट मे वैरी। मैम चैप्टर का नाम है ना, मैम हमारी बुक का है 124। ओके, मुस्कान ने पेज नंबर भी बोला 124। मैम मुझे 124। मुझे 20 आप निकालिए। मैम मैंने लिखा है वर्ब्स एंड आइटम्स। मैम क्या निकालना है? यस मैम, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइटम्स। मैम ये निकालना है। मैम ये निकालना है। मैम मास्टर को रिचार्ज नहीं है फोन को, वो हमारे फोन से देख सकता है क्लास। जी कोई बात नहीं। सो जो हमें आज पढ़ना है वो है फ्रेजल वर्ब। स्टूडेंट्स अभी आ ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम. सो व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब. जैसे विंटर विल सेट इन सून. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब या तो इसमें फ्रेजल वर्ब कंसिस्टेंस ऑफ अ वर्ब, इसमें एक वर्ब होता है या प्रपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है. ठीक है. सब उनको स्क्रीन आ रहा है? यस मैम. यस मैम. वो दाशिया. यस ना आ गया मैम. फिर से गया. सब कुछ स्क्रीन आ रहा है? यस मैम. अब आ रहा है. यस मैम. फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? फ्रेजल वर्ब में होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसमें क्या आता है? फ्रेजल वर्ब में जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वर्ब होता है. ठीक है. या एडवर्ब या प्रपोजिशन होता है. आप लोगों को मैंने क्लासेस में पढ़ाया है कि एडवर्ब किसको कहते हैं और प्रपोजिशन किसको कहते हैं. आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिपीट करने की जरूरत है. चलिए फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ. ठीक है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब इज नोन एज फ्रेजल वर्ब. ठीक है. वर्ब आपको पता ही है किसको कहते हैं? अमल को. ठीक है. फैल को. अब उसमें क्या होता है? या तो उसमें इसके बाद एडवर्ब होगा या कोई प्रपोजिशन होगा. ठीक है. एडवर्ब किसको कहते हैं? किसी भी जुमले में इस्तेमाल होने वाला वो लफ्ज जो कि एक वर्ब या एडजेक्टिव या कि किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है. थोड़ा ऊंचा बोलिए. यस मैम. थोड़ा ऊंचा बोलिए, हमें आवाज स्लो आ रही है. अच्छा ठीक है, एक सेकंड. मैं क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? अब ठीक आ रही है. यस मैम. यस मैम. फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? मैम मुझे आपकी आवाज नहीं है. फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब होते हैं जिसमें वर्ब होता है या प्रपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है. और उससे क्या होता है? उससे उस वर्ड का, उस फ्रेज का मीनिंग थोड़ा मॉडिफाई होता है या चेंज होता है. ठीक है. अ फ्रेजल वर्ब कंसिस्टेंस ऑफ अ वर्ब. फ्रेजल वर्ब में वर्ब होता है. वर्ब आपको पता है ना किसको बोलते हैं? फैल को, किसी अमल को. एंड ए प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन भी मैंने आपको पढ़ाया है, या एडवर्ब होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उस वर्ड का मीनिंग या उस फ्रेज का मीनिंग थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, थोड़ा सा चेंज होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करती हूँ. गिव अप. गिव का मतलब क्या होता है? देना है ना. लेकिन जब हम गिव अप ये फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग. यानी गिव अप हो गया, गिव अप करना हो गया, यानी मैं अब नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा. जो कि गिव का बहुत डिफरेंट मीनिंग है.
लेकिन जब हम गिव अप एक साथ दिखते हैं उसका मीनिंग ही चेंज होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे बच्चा, मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ। मैं मुझे स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है बेटा, मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ, मुझे आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, अगर मुझे खराब आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स को आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैम मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। मैम क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। बस बस बेटा, जिनको आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है दैट मींस दे आर हैविंग द नेटवर्क इश्यू, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जिनको आप क्लियर आ रही है, आप उनको सुनने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर किसी को स्क्रीन नहीं आ रहा है, मैं यही बोल रही हूँ, आप अगर बुक सामने भी रखेंगे आपको खुद समझ में आएगा। फ्रेजल वर्ब्स हमें आज पढ़ना है और आइटम्स। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है, और उससे क्या होता है, उससे वर्ड का या फ्रेज का मीनिंग मॉडिफाई होता है, चेंज होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ गिव अप का। अगर हम वर्ड गिव का मीनिंग देखेंगे तो क्या है वर्ड गिव का मीनिंग? देना। हम नहीं बोलते गिव मी दिस बुक, गिव मी दैट, गिव मी सम स्पेस, ठीक है? तो इस तरीके से गिव का मीनिंग है देना। लेकिन अगर हम फ्रेजल वर्ब यानी गिव अप, इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग बहुत डिफरेंट है गिव वर्ड से। क्योंकि गिव अप मीनिंग हो गया स्टॉप डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं गिव अप करती हूँ, मैं अब नहीं पढ़ा सकती, मैं गिव अप करती हूँ, मैं नहीं खेल सकती, मैं गिव अप करती हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, मीनिंग डिफरेंट होती है वर्ड की, ठीक है? और वो वाला वर्ड जिससे एक वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई होता है, ठीक है, या चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल, ठीक है? यस मैम, समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। ओके, अब आपको याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब होता है, वर्ब किसको बोलते हैं? फैल को, अमल को, ठीक है? मैम फैल को बोलते हैं वर्ब। एग्जैक्टली, या प्रपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है। जैसे मैं आपको समझाऊंगी एडवर्ब किसको बोलते हैं। किसी भी जुमले में जब इस्तेमाल होने वाला एडवर्ब बोलते हैं, किसी भी जुमले में इस्तेमाल होने वाला वो लफ्ज जो एक वर्ब या एक एडजेक्टिव को या कि दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, ताकि इसका मीनिंग और भी क्लियर हो और ये अच्छी तरीके से समझाया जा सके। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। Walk slowly. जरा मुझे बोले इसमें कौन सा वर्ब है? मैम किस में? Walk slowly. मैं slowly. मैम slowly. मैम slowly. कौन सा है? मैं slowly. मैं slowly. मैं slowly. मैं slowly. वर्ब जो है ना, ये क्या है? वर्ब वॉक जो है ना, ये वर्ब है ना, वर्ब है। ये काम हो रहा है किस तरीके से? हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। ये वर्ब के मीनिंग को और इजाफा कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर फेल हो रहा है, काम हो रहा है, किस तरीके से हो, दैट मीन्स दिस इज एडवर्ब, ठीक है? इसने वर्ब को और ऐड किया और डिस्क्राइब किया, ठीक? यस मैम। अब या तो ये होगा या प्रपोजिशन होगी। प्रपोजिशन किसको कहते हैं? वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आई थिंक लास्ट ईयर की इसी साल मैंने पढ़ाया है। यस मैम, ठीक है। तो प्रपोजिशन क्या होता है? ये जुमलों के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला वो अल्फाज होता है
जो दो चीजों के दरमियान ताल्लुक पैदा करते हैं या फिर जगह का तायन करते हैं कि एक चीज दूसरे चीज के मुकाबले में किस जगह है, जैसे हम ऑन, अंडर, बाय, फॉर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. इस तरीके से यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट और फॉलो अ डिसीजन और रूल। अबाइड बाय हो गया एक्सेप्ट करना, इकरार करना या फॉलो करना किसी डिसीजन को या किसी रूल को। जिस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है, वी मस्ट अबाइड बाय कॉलेज रूल्स, हमें कॉलेज रूल्स के, कॉलेज उसूलों को फॉलो करना जरूरी है। एक्सेप्ट करना, इकरार करना और उसके बाद फॉलो करना जरूरी है। या दूसरा वर्ब आप देखिए, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी वजाहत देना, ठीक। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, शी हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी शी हैड स्पेंट, उसने जितने भी पैसे खर्च किए हैं उसको उनकी वजाहत देनी है, ठीक। या accuse of, accuse of का मतलब क्या होता है? being blamed of something या being blamed for something, किसी पर इल्जाम लगाना, ठीक है? कोई इल्जाम हो रहा है, जैसे example है यहाँ पर, he was accused of using the funds ineffectively, इमदाद को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया गया, एक्यूज ऑफ, ठीक है? समझा रही हूँ बात? ठीक नहीं? यस मैम, यस मैम। इसी तरीके से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स और भी होते हैं मैम, जैसे जी, जैसे यहाँ पर मैं आपको और कुछ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझाऊंगी। फ्रेजल वर्ब की मदद से क्या होता है, आप इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करके, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप बहुत ही बड़ी बड़ी बातें, मतलब उसमें कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। लाइक एक्ट अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? टू टेक एक्शन आफ्टर रिसीविंग information. Yes, ma'am. अमल करना, कोई इंफॉर्मेशन जब आप तक पहुंचती है तो उस पर अमल करना उसके बाद, ठीक है? एक्ट अपॉन, जैसे द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द ऑर्डर्स दैट ही हैड रिसीव्ड, ऑफिसर ने उसी तरीके से अमल किया जैसे कि उसको ऑर्डर्स रिसीव हुए थे, मैंने मिले। क्या बोलते हैं, मैं उसको क्या बोलते हैं, किसको? मैं आपने बोला ना अभी, उसको एक्ट है वर्ब, अपॉन है प्रीपोजिशन, तो इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब आते हैं। टू टेक एक्शन आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, उसी तरीके से रद्द अमल करना या एक्शन लेना जिस जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाए, जिस तरीके से ऑफिसर ने उसी तरीके से एक्ट अपॉन किया, उसी तरीके से वो एक्शन लिया, उसने उसी तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से उसको ऑर्डर्स मिले थे, ठीक। फिर है एडमिटेड टू, इसका मतलब क्या होता है? टू एक्नॉलेज और कन्फेस समथिंग, यानी इकरार करना, कन्फेस करना, जैसे कि कोई गलती हो गई है तो हम उसका इकरार करते हैं, ठीक है? एडमिट करते हैं उसको, मुझसे ये मिस्टेक हुई है, कन्फेस करते हैं। एडमिट टू का मतलब होता है टू एक्नॉलेज या कन्फेस, जैसे द स्टूडेंट इज एडमिटेड देयर मिस्टेक्स टू देयर टीचर, जो थे उन्होंने अपनी गलती एक उस्ताद के सामने मान ली, एडमिट कर दिया, ठीक है? फिर है एडोन विद, एडोन विद का मीनिंग क्या होता है? टू डेकोरेट समथिंग, को किसी जगह को सजाना, डेकोरेट करना। लाइक एग्जाम्पल इसकी है, शी अडॉर्नड हर रूम विद फ्लावर्स, उसने अपने रूम को सजाया, डेकोरेट किया, रूम को फ्लावर्स के साथ। एग्जैक्टली। फिर है एग्री विद,
टू बी फेवरेबल और सूटेबल विद, यानी कि हम अहंग रहना या किसी के साथ सूटेबल होना, हम अहंग, ठीक है, जचना या प्लीज ये और बोलिए एग्री विद क्या हुआ? एग्री विद का मतलब होता है टू बी फेवरेबल, यानी उसको मैं बोल क्या बोल सकती हूँ, हम अहंग होना किसी के साथ, यानी इसके साथ ये लगेगा टू बी सूटेबल विद, ठीक है? ओके, जैसे स्पाइसी फूड डजंट एग्री विद माय स्टमक, चटपटा खाना मेरे स्टमक के साथ नहीं लगता है, नहीं मैच होता है, ठीक है? यहाँ पर डज नॉट आया है ना? यस मैम, गॉट इट? यस मैम, आप समझ आया फ्रेजल वर्ब्स किसको बोलते हैं? यस मैम, फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब होता है या और प्रपोजिशन या एडवर्ब, ठीक है, और ये इस तरीके से होता है कि ये इस वर्ब के मीनिंग को चेंज करता है, ये प्रपोजिशन या ये एडवर्ब जो है इस वर्ब के मीनिंग को बिल्कुल चेंज करता है। यस मैम, जैसे एड अप है, इसी तरीके से आपकी बुक में बहुत सारे ये जो है फ्रेजल वर्ब्स दिए गए, लाइक एड अप, एड अप का मतलब yes, होता है टू कैलकुलेट और सम अप, ठीक है? मैम मुझे ये सब फ्रेजल वर्ब आइटम्स क्या हुआ? आइटम्स मैं अभी समझाऊंगी, पहले आप लोग मुझे बोलिए कि आपको फ्रेजेस जो है अच्छे से समझ में आए, इसमें मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी मतना है? नो मैम, अच्छे से नो मैम, मैम थोड़ा सा थोड़ा रिपीट से समझ आए, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। फ्रेजल वर्ब्स किसको बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब होता है और प्रपोजिशन या एडवर्ब होता है। प्रपोजिशन मैंने आपको बहुत बार समझाया है, प्रपोजिशन क्या होते हैं कि जो जुमलों के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले वो अल्फाज होते हैं जो दो चीजों के दरमियान ताल्लुक पैदा करते हैं या फिर जगह का तायुन करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले में किस जगह है, जैसे ऑन, बाय, फॉर, अंडर वगैरह, ठीक है? और एडवर्ब किसको बोलते हैं? जब किसी भी जुमले में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल होता है जो कि एक वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है उसी को, ताकि वो बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ, लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वॉक स्लोली, हाँ, वॉक यानी अमल हो रहा है, वर्ब हो रहा है, स्लोली हो रहा है, हाँ, ईट क्विकली, ठीक है, रन फास्टली, तो इस तरीके से ये जो फास्टली है या स्लोली है या क्विकली है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग को और डिस्क्राइब कर रहा है, यानी वो चल रहा है तेज चल रहा है, वो खा रहा है तेज खा रहा है, वो दौड़ रहा है तेज दौड़ रहा है, ठीक है? तो इस ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनमें वर्ब होता है और उसके बाद या तो प्रपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा, ठीक है? और चूंकि वर्ब का एक अलग हर एक वर्ड का मीनिंग होता है तो वर्ब का भी मीनिंग होता है, लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी गिव की, ठीक है, या ब्रेक, हाँ, या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ओपन की, चलो ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना होता है ना, खोलना, खोलना, लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब ओपन अप की हम बात करेंगे, ठीक है, ओपन अप का मीनिंग है शेयर फीलिंग करना, अगर खाली वर्ड ओपन होगा, ठीक है, दैट मींस ये वर्ब था, लेकिन जब मैंने इसके साथ प्रपोजिशन लगाया, अप लगाया, तो इसका मीनिंग, ओपन का मीनिंग ही चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया शेयर फीलिंग करना, यानी किसी के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना, ठीक है? तो इस तरीके से इस वर्ड की वजह से इस वर्ब का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, इस वाले वर्ड को हम पार्टिकल कहते हैं, ठीक है? और फ्रेजल वर्ब्स जो है वो हम सेंटेंसेस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सेंटेंस हमें अच्छे से समझ में आ जाए, और दूसरा चीज सेंटेंस से क्या इसमें होता है, छोटे छोटे दो वर्ड्स होते हैं लेकिन इनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में बहुत बड़े बड़ा मीनिंग, मतलब ऐसे मीनिंग को जाहिर कर सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। अब मतलब कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम, नो मैम, नहीं, नो मैम, नो मैम। तो आप दूसरा जो है वो है आइटम्स,
आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन दी गई है ना? यस मैम. An item is a phrase which has different meaning from the meaning of its components. ठीक है, आइटम क्या होता है? आइटम जो होता है इसको हम उर्दू में मुहावरे कहते हैं. ठीक है, आपने मुहावरा सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. सुना है ये कभी? यस मैम, सुना है. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे ना, मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है. यहाँ पर असल में ना तो मछली की बात हो रही है ना ही तालाब की बात हो रही है. ये किसी एक ऐसे इंसान के मुतालिक बात हो रही है जो अगर किसी मतलब सबके साथ बैठ जाता है तो वो उनको भी खराब करता है, उनकी सोहबत में वो भी खराब हो जाते हैं. तो आइटम्स क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड. जो एक्चुअल वर्ड होता है वो असल में वो उसका मीनिंग नहीं होता है बल्कि डिफरेंट होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूंगी इंग्लिश में, वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड. एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. असल में ना तो यहाँ पर मछली की बात हो रही है ना ही तालाब की, ये किसकी बात हो रही है? किसी ऐसे इंसान की जिसकी सोहबत अच्छी नहीं है. तो वो अगर किसी ऐसे लोगों की यानी ऐसे लोगों के साथ बैठेगा जिनकी सोहबत अच्छी होगी तो उस गंदे इंसान के साथ रह रहकर या उस गंदे बच्चे के साथ रह रहकर उन बाकी जो अच्छे लोग थे वो भी खराब हो जाएंगे. ठीक है? यस मैम. आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस मैम. इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है एक्चुअल वर्ड्स. या आपको मैं दूसरी एग्जांपल देती हूँ, लाइक ब्रेक द आइस. जरा मुझे बोलो ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या आएगा वर्ड वर्ड टू वर्ड अगर हम देखेंगे. मैम फिर से बताइए. वर्ड है, फिर से बोलिए. आइटम है ब्रेक द आइस. इसका मीनिंग ब्रेक क्या होगा? आवाज नहीं आ रही है मैम. आवाज ही आ रही है. आप ये वर्ड बोल लीजिए. ब्रेक आइस. ब्रेक द आप शोर. ये क्या कोई शोर कर रहा है? आप क्या कर रहे हो वहां से बेटा? जिनको आंसर नहीं देना होता है वो प्लीज माइक्स बंद रखिए. आई एम आस्किंग यू समथिंग, यू मे आंसर फर्स्ट. अगर मैं ये वाला आइटम लेती हूँ, ब्रेक द आइस, जरा मुझे इसका मीनिंग बोलिए, वर्ड मीनिंग बोलिए मुझे. ब्रेक का मतलब क्या हो गया? तोड़ना. मैं तोड़ना. है ना? आइस का मतलब क्या हो गया? है ना? इसका अगर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, मतलब वर्ड टू वर्ड अगर हम मीनिंग देखेंगे, ब्रेक द आइस का मीनिंग है आइस को तोड़ना. ठीक है, बर्फ को तोड़ना. लेकिन असल में इसका मीनिंग क्या है? टू से समथिंग टू ब्रेक द साइलेंस. कुछ बोलना ताकि खामोशी टूट जाए. जैसे कि कोई लोग, दो चार लोग किसी कमरे में बैठे और सब खामोश है. ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगी प्लीज से समथिंग एंड ब्रेक द आइस. हम 10-15 लोग एक कमरे में बैठे हैं, सब खामोश है, साइलेंस है चारों तरफ से. तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ प्लीज ब्रेक द आइस. इसका मतलब मैं उसको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो है बर्फ को तोड़ दो. मैं उसको ये बोल रही हूँ कि आप कुछ बोलो ताकि ये खामोशी टूट जाए. देखिए वर्ड मीनिंग कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल मीनिंग. आइटम्स का, मुहावरों का यही होता है कि इनका एक पहले से ही डिफाइनड जो है मीनिंग होता है, फिक्स्ड मीनिंग होता है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है जो किसी ग्रामेटिकल फॉर्म से या वर्ड के चेंज करने से चेंज नहीं होता है. ठीक है, जिस तरीके से एक नॉन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन का होता है. अगर मैं कोई और वर्ड बोलूंगी, मैं उसके साथ कुछ और लगाऊंगी, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बोला गिव, उसके साथ आपने अप लगा दिया तो उसका वर्ड चेंज, उसका मीनिंग चेंज हो गया. लेकिन ये जो फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे होते हैं, इनके साथ आप कोई ग्रामेटिकल जो है फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, उससे इनका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता. या आपको मैं और एक आइटम बहुत बताती हूँ, एप्पल ऑफ माय आई. आपने ये सुना होगा ही इज द एप्पल ऑफ माय आई. हाँ, एप्पल का मतलब क्या है? सेब है ना? लेकिन वो मेरे आंखों का तारा है. एग्जैक्टली, यहाँ पर मीनिंग है वो मेरी आंखों का तारा है. एप्पल ऑफ यानी
He is very dear to me. वो मेरा बहुत ही प्यारा है. He is an apple of my eye. Got it? तो महावरों का क्या होता है, एडम्स का क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग से वर्ड मीनिंग बहुत डिफरेंट होती हैं. एंड आइडम इज अ फ्रेज विच हैज अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट. जो लिखा होता है उससे एक्चुअल मीनिंग बहुत डिफरेंट होती है और इनकी पहले ही फिक्स्ड मीनिंग होती है. और आपकी बुक में बहुत सारे आइडम्स दिए गए, उनके मीनिंग भी और उनका इस्तेमाल भी सेंटेंस में कैसे करना है. जैसे हम कहते हैं कि मैं तैयार मतलब लास्ट मिनट में हो गई, या मैं स्टेशन पे एट द 11th आवर पहुंच गई. वी रीच द स्टेशन एट द 11th आवर. 11th आवर का मतलब क्या हो गया, 11 बजे. नो, एट लास्ट. 11th आवर का मीनिंग है एट द लास्ट मिनट में वहां पर पहुंच गई. ठीक है, तो ये जो 11th आवर है, दिस इज एन आइटम, एक आइटम है. सबको समझ आ रही है बात मेरी? यस मैम. यस मैम. तो ये आपका आज का टॉपिक. यस मैम. आइटम्स. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर अभी आपको कोई क्वेरी है या कोई समझ कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं. नो मैम. जी बोलिए. नो मैम, हमें समझ आया. अच्छा, और एक बात मैं आपको बताऊंगी. जब कोई इंसान किसी चीज को हासिल नहीं करता है तो वो नहीं कहता है कि ये अगर हम उसको मुहावरे के तौर पर मतलब उसको बोलेंगे, तो जब कोई किसी इंसान को कोई चीज नहीं मिलती है तो हम उसको बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, है ना, सॉर ग्रेप्स. ना ही हम अंगूर की बात कर रहे होते हैं, ना ही हम उसकी टेस्ट की बात कर रहे होते हैं. हम बात कर रहे होते हैं उसकी नाकामयाबी की, कि उसको वो नहीं मिला तो अब उस वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए. ठीक है. यस मैम. उसको पता होता है कि अब मैं वहां नहीं पहुंच गई या ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, तो वो कहता है कि मैं गहती नहीं है. तो उसको हम महावीर के तौर पे बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं. जी मैम. जी बेटा. मैम, जो आपने ये जो आपने 19 लेसन नंबर था जो हमने कल पढ़ा, डिक्शनरी यूज, मैम उसको जो आपने ग्रुप में सेंड की ना, वो ये बुक वर्क, आपने उसके साथ इसकी भी बुक वर्क सेंड की थी, वो भी हमने लिखनी थी. हाँ जी बेटा, वो भी आपको लिखनी है. लेसन मैंने लिखी मैम, लेकिन मैंने अभी इस लेसन की लिखी बुक वर्क. वो मैंने एक साथ इसलिए सेंड की क्योंकि मैं आपको बोलूंगी आज फिर आपको एक काम गुम होती है, इसलिए मैंने एक ही पीडीएफ में सेंड किया. तो वो काम आज आप करेंगे. ठीक है, अभी आपके क्लास में 5 मिनट्स है, इन 5 मिनट्स में आप इसकी बुक वर्क लिखेंगे. मैम सेंड कर सकते हैं पीडीएफ? मैम जी. मैम मुझे साइंस की काम डिलीट हो गई थी, वो रॉक्स एंड मिनरल्स. जी जी, वो हो गई कंप्लीट. ओके स्टूडेंट्स, इसका काम मैं अभी ग्रुप में वापस से सेंड करूंगी. ठीक है, डिलीट हो गया. मैं वापस से वो सेंड करूंगी. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़ मैम. सेंड करेंगे.